अरे वाओ वाओ इट्स ऑसम, वाओ एक और, वाह, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तेरी मीज हेयर लाइक स्टार्ट माय टुडे व्लॉग। तो आज मैं आई हूँ यूनी, बात मैं थर्ड टाइम आ रही हूँ यूनी। तो मैं हर बार सोचती हूँ कि व्लॉग बनाऊँ बट मैं नहीं बनाती। तो आज मैं सोचती हूँ कि तेरी व्लॉग बना लिया जाए। तो आज हमारे कोई लेक्चर्स नहीं है क्योंकि हम लोगों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो आप लोग कहेंगे फिर से एग्ज़ाम्स आ गए जी, अब मेरे और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो उसके बाद हमने बस तैयारियाँ हो रही हैं मुझसे एग्जाम्स हैं। अब हम लोगों ने की है आज LOC की मीटिंग है, तो मैं वही मीटिंग ही अटेंड करने के लिए आई हूँ। बट वो मीटिंग का अभी टाइमिंग हमें नहीं पता, इसलिए मीटिंग हमारी हमेशा 11 बजे से बाद ही होती है। तो बस फिर वो मीटिंग अटेंड करेंगे और फिर हम लोग घर जाएंगे। तो वो सभी फ्रेंड्स भी आने वाली हैं, तो हम लोग जब भी आते हैं। धूप भी आ गई है, मैं उठती हूँ जल्दी से, अंदर जाते हैं जाके साइड पर बैठते हैं क्योंकि सबने मुझे कहने की पागल है कि धूप में बैठी है, गर्मी है वो भी। हाय, ओके। और बस अभी मेरी फ्रेंड्स आने वाली हैं, वो 9 बजे तक आएंगी। तो हम जो फ्रेंड्स हम लोग इकट्ठे ही आते हैं हमेशा, उनके लिए हम लोग बोर हो जाते हैं। तो कुछ पेपर्स आने वाले हैं तो कुछ पढ़ लेंगे, बस फिर मीटिंग अटेंड करेंगे और घर जाएंगे। तो इसी तरह मेरे साथ कनेक्टेड रहें, जो हम करते रहेंगे मैं वो आप लोगों को दिखाती रहूँगी। ये हमारी नुस्टी का गर्ल्स एरिया है। ये है हमारा कॉमन रूम। इधर फ्रेम लगी हुई है, इधर कुर्सी लिखी हुई है और यहाँ पे एक और फ्रेम है, हमारे कॉमी शाही राम इकबाल की पिक लगी हुई है। हले हाथ आते रहो, यहाँ पे ये लोग मेहंदियाँ लगा रही हैं। यूनिवर्सिटी आके हम लोग ऐसी मेहंदियाँ लगाते होती हैं, उर्वा मेहंदी लगा रही है वो। yes. ये लोग नहीं लगा रहे, लोगों में कौन कौन आता है? उर्वा और हमारी दोनों मेहंदी एक्सपर्ट बैठी हैं। फर्स्ट में निहान है, सेकंड हला की बुकिंग करवा दें मैं शादी यारी कजन्स वगैरह की। हमारे नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देना हमसे जिसने लगवानी हो। जब लड़के आ जाने फिर मुझे कहना, लड़के मेहंदी लगवाने आएंगे बस कर देना। पत्ती कौन दी थी? अबे यही पत्ती, ये दोनों यहाँ पे मेहंदी लगा रही है और मैं अपना बना रही हूँ ब्लॉग। और क्या कर रहे हैं हम लोग? बड़े मजे से हम लोग यहाँ पे चौकड़ियाँ प्लेथियाँ मार के बैठे हुए बड़े मजे सोफों पे। निहाल निहाल हमने निहाल को अपने हेल्थ खूबसूरत हाथों से छुपा दिया है।
2 hours later. Like मेरा हाथ हो गया, बहुत कलर आ गया, हो गया धुआं. इसे बंद कर दो यार. Two hours later. मैं जिस चीज़ का मैं वेट करती हूँ ना, तो फाइनली उस चीज़ का मेरा जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है. और मैं करने लगी हूँ आज अपने पार्सल की अनबॉक्सिंग, जो कि मुझे आदत सी हुआ है 7 days के बाद. इतना लेट मुझे रिसीव हुआ ना, ये बस वो सर्विस वगैरह का इशू था, तो सर्विस बंद थी और फिर बारिश वगैरह आने लग गई हैं, तो इसी वजह से सर्विस जो है वो लेट हो गई, मेरा पार्सल इतना लेट पहुँचा है. तो आज फाइनली वो मुझे रिसीव हुआ है, अब मैं करने लगी उसकी अनबॉक्सिंग. और आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने आज इन्होंने सेविंग किया, कि आज हम लोग इन्होंने सेविंग करने मिलियाँ वगैरह लगाई हैं. ठीक है, एक और हाथ में भी लगी हुई है, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ. और अब हम करती हैं जल्दी से अपने पार्सल की अनबॉक्सिंग. और जिस तरह की मैं वीडियो बनाना चाह रही थी ना, उस तरह की मेरी वीडियो नहीं बनी. मैंने कहा चल तेरी यार वीडियो तुमने बनानी है और तेरे से वेट भी नहीं हो रहा, तूने पार्सल की अनबॉक्सिंग भी करनी है, तो अब तो एक ही हाथ से वीडियो बना और पार्सल की अनबॉक्सिंग भी कर. तो अब मैं जल्दी से पार्सल की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि हमारे पार्सल में क्या है. तो आज मैंने जो है पार्सल मैंने मंगवाया है 10,000 के मैंने पार्सल मंगवाया. ठीक है, तो जल्दी से उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या निकलता है उसमें से. मुझे तो पता है बट आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या है इसमें. सो लेट्स सी. एक ही हाथ से हम जो इसको काम चलाते हैं. ओहो, लगते मेरे घर वाले पहले खोल लिया मेरा पार्सल. चल मैं कहते हैं एक हाथ से तेरा काम चलना ही नहीं है, तो मैंने इसको ओपन कर लिया और अब देखते हैं जल्दी से इसके अंदर है क्या. और वाह, फर्स्ट मैंने बैग्स वगैरह इसकी मैंने मंगवाए थे. एक दो हमें जब हम शॉपिंग करते हैं तो ओरिफ्लेम की तो हम इसके साथ मिलते हैं, बट एक दो मैंने एक्स्ट्रा मैंने खुद से मंगवाए थे क्योंकि मैंने अपने कस्टमर को जब ऑर्डर पैक करके देने थे, क्योंकि अगर हम पैकिंग मटेरियल लेते हैं तो हमारा वेस्ट हो जाता. वाह 1 2 3. ऐसा लगता है कि ये इन्होंने मेरे सारे मीडियम साइज़ के भेज दिए हैं. खैर कोई नहीं, क्या है जल्दी से बोलो क्या है, ओपन करें. तो इसको हम करते हैं ओपन और देखते हैं कि क्या है इसमें. 1 2 3. वाह, तो ये है हमारा सामान. ये देखो, अरे वाह. Wow, एक और. Oh my god. Oh wow. ये तीन हो गए हमारे पास भाई. ये देखे तीन भी हमारे पास आ गए हमारे. बेटे मौज कर दी, मौज कर दी. वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ तुम तो. इन डिमांडिंग प्रोडक्ट्स. ओ वाओ, इट्स सो क्यूट यार, इट्स ऑसम. इतनी प्यारी पैकेजिंग है इनकी होती है, मैं यकीन माने आप लोग. मतलब क्या, अगर हम लोग ट्रैवल वगैरह करते हैं ना, मीन्स क्या, अगर हम लोग मीन्स की इतनी अच्छी सी जो है ना पैकेजिंग है कि अगर हम लोग कहीं ट्रैवल वगैरह भी करते हैं तो इजीली हम इसको अपने साथ अपने बैग में लेके जा सकते हैं. तो ये हमारे पास है फेस लोशन है, ये ओली स्किन के लिए है. ठीक है, ये मुझे गिफ्ट मिला है मेरी कंपनी की तरफ से. और एक और मैं दिखाऊँ, एक और ये है हमारे पास आया हमारा टोनर. अरे वाह, ये क्या है. ओ ये सूटिंग मास्क है, ये मुझे गिफ्ट मिला है.
और ये हम दो चीज़ें इकट्ठी निकालते हैं। वाह, अरे वाह, ये क्या आ गई। ये है हमारे पास से हैंड क्रीम्स और स्किन टाइप के लिए हैं। बस और भी कुछ है अभी। ये आगे भाई फोटो ली हमारे फ्रंट साइड इसकी आई नहीं यार। ये जो सारे सामान है ये मैंने आज मंगाए थे। मैंने आज शॉपिंग किया है यहाँ से 10,000 की मैंने शॉपिंग की है। मैंने कुछ शुगर स्क्रब मंगवाए हैं क्योंकि ये डिस्काउंट में थे और जब इनकी प्राइस आते हाई यूँ हाई हो जाती हैं तो डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहिए। तो मैंने 3 शुगर स्क्रब मंगवाए हैं, 2 हैंड क्रीम्स मंगवाई हैं, मास्क है। ये जो चीज़ें मुझे गिफ्ट मिली हैं ये मुझे हॉट ऑयल्स हैं, ये भी डिस्काउंट में थे। और मैं इसको पर्सनली अपने हेयर्स में यूज़ करती हूँ, इसका ट्रीटमेंट लेती हूँ, तो मैंने कहा इसको मैंने मंगवा ली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जल्दी ख़त्म ही नहीं होता। 200 ml की ये बोतल है, ठीक है। और इसको मैंने जो है 3 मंगवाई हैं, ऑर्डर मैंने किए हैं, कुछ मेरे कस्टमर्स किए हैं, इसमें से सारी मेरी नहीं है। परेशान ना हो आप लोग, क्या बोलूँ कि मैंने क्या करनी है। कुछ मैंने अपने कस्टमर्स की मंगवाई, उन लोगों ने मेरे से मंगवाई हैं, इनकी ऑर्डर्स हैं जो कि हमने उनको पैकिंग करके उनके घर डिलीवर करनी है मैंने। और मैं आप कुछ इसके बेनिफिट बता देती हूँ आप लोगों को कि इसका जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि मीन्स कि इसके लोग मैं बताती हूँ कि आप लोग किस चीज़ के इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है इसका, क्यों हम मतलब इसको यूज़ करते हैं। तो इसका ये है कि यानी कि आप लोग जिनकी मतलब कि काले जैसे घुटने होती हैं, उनकी गर्दन जो उनकी का कलर डल होता है, उनके हाथों की ये चीज़ होती है, उनकी ठेचेस होती हैं, आप लोग उस पर लगा सकते हैं, टखनों पर लगा सकते हैं। और आप इसको फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये शुगर स्क्रब है, मिल्क एंड हनी गोल्ड शुगर स्क्रब, इसको आप फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। बट जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो लोग इसको अवॉइड करेंगे स्किन पे अप्लाई करने से। बाकी इसका ये है कि अगर हम लोग डेली बेसिस पे घर बाहर आते जाते हैं तो तब हमें डेली बेसिस इसको यूज़ करना चाहिए अपनी लाइफ टाइम, इनके इसको अपनी रूटीन बना लें आप लोग। और इसके अलावा अगर आप घर में ही रहते हैं तो फिर आप वीक में 2-3 times इसको यूज़ कर लें, तो तब इसको डेली बेसिस पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग अपनी स्किन की केयर करें क्योंकि आपकी स्किन आप नहीं, आपने अपनी स्किन को खूबसूरत बनाना है। यानी कि एक चीज़ जब अल्लाह पाक ने आपको दी है तो आपका मतलब कि पर्पस बनता है ना कि आप लोग ही उसको खूबसूरत बनाएं। मतलब कुछ लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम घर के काम इतने काम करते हैं, यानी कि मुझे लोग सिर्फ सारा दिन घर के काम करते रहते हैं ना सुबह से लेकर रात तक। तो आप लोगों को एक चीज़ आपकी स्किन है मतलब कि आप लोगों को अपने लिए खुद टाइम निकालना चाहिए, अपनी स्किन का आप लोग टाइम दें, उसकी केयर करें, मतलब उस पर मतलब कि चलो अगर आप लोग ऐसी चीज़ें नहीं भी लेना चाहते तो घर की मतलब के इंग्रेडिएंट्स होते हैं आजकल, तो आप वही चीज़ यूज़ करें अपनी स्किन पे। मैं बताती हूँ आप लोग वगैरह लगा लें और भी काफ़ी सारी चीज़ें, बेसन हो गया और इस तरह से इसमें हल्दी मिक्स कर लें। और आजकल मैं बताती हूँ एक और चीज़ आई हुई है वो बहुत अच्छी है मतलब कि स्किन के लिए। हम लोग जो हम लोग खा पीते भी हैं कॉफ़ी ले लें, कॉफ़ी भी मतलब मैं तो स्किन पे यूज़ करती हूँ, वो भी कॉफ़ी में स्किन पे भी यूज़ की है मैंने, अपने फेस पे हैंड्स पे मैंने उसको स्किन को कॉफ़ी में मैंने यूज़ की है। बाकी मैं मतलब आजकल इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं मतलब कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये बेसन आटा और ओपन वगैरह मैं बनाऊँ बैठ के और उन्हें लगाऊँ, तो बस मैं ऐसे ही चीज़ें मंगवाती हूँ। और मतलब कि हम अपने अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेते हैं कि ऐसी हैंड क्रीम्स वगैरह मंगवाई और हमने लगा ली। और एक एक मेरी बहुत ही फेवरेट ओरिफ्लेम मेरी चीज़ है ना, एक ये हॉट ऑयल है, एक जो शुगर स्क्रब है, ठीक है। ये हॉट ऑयल जो है ना इट्स मोस्ट फेवरेट, इट्स माई हेयर्स। देखिए आप लोग ये हमारे ना बालों के लिए बहुत ही अच्छा, हेयर ग्रोथ के लिए। तो मैं देखूँ जिन लोगों के ना आजकल घर सर पे बाल नहीं टिंडे हैं उन लोगों की, तो वो लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इस चीज़ें बाय करनी है तो मैं लिंक अपना इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करें, मेरे टिकटॉक में आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इन सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस सबसे बाय कर सकते हैं। और आजकल इन सब चीज़ों पर ह्यूज डिस्काउंट है, वो भी मतलब इस मंथ के लिए पास, तो ये भी ख़त्म होने वाला है, जैसे ही मंथ खत्म हो जाएगा ये डिस्काउंट भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा इसके बारे में बताऊँ, ये इसके जो हमारे पास प्राइसेस है मैं आप लोग बता रही हूँ 2500 में है ये हमारे पास 2500 में, बट इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 3400 है, 900 कम प्राइसेस में ये अवेलेबल है हमारे पास जो कि आया होगा, ठीक है, इस मंथ के लिए, जस्ट इस मंथ के लिए। और इसके बाद अप्रैल मई में अब होप्स ओके होता है जब हमारे पास हमारा एक तब देखेंगे इसकी क्या प्राइस है, बट फिलहाल इस मंथ में 2500 में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो जो लोग बाय करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम,
आप लोग आए। होप सो कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलती हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।